খুমটাই সমষ্টিৰ দক্ষিণ হেঙেৰা বৰজানৰ খেলপথাৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিস্মিতা গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ৰাজহুৱা সভাত কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মোদী চৰকাৰক ক্ষুধাৰ সমালোচনা। ভোটাৰক পাঁচটা গেৰাণ্টি দিয়ে সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা সুনিয়াৰ টনয়া প্ৰিয়ংকাই। गीत बनाया था, उस गीत में लिखा था, उन्होंने कहा था, पॉलिटिक्स नो करीबे बंधु। लेकिन भाजपा की सरकार ने 5 सालों में असम के साथ सिर्फ पॉलिटिक्स 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 की है। युवाओं के साथ धोखा किया है, महिलाओं के साथ धोखा किया है। यहाँ पर जो अपराध है महिलाओं के खिलाफ पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ये कोई सुविधा नहीं कराई, महंगाई की मार से सबसे ज्यादा चोट महिलाओं पे होती है। कुछ नहीं हुआ, हर तरफ से नौजवानों के साथ धोखा हुआ, श्रमिकों के साथ धोखा हुआ, किसानों के साथ धोखा हुआ। तो आज चुनाव का समय आ गया है, आप ही बताइए आप किसको चुनेंगे? आप एक ऐसी सरकार को चुनेंगे जो समस्याओं में, दुख में, संकट में आपके साथ खड़ी रहेगी, या एक ऐसी सरकार को चुनेंगे जो आपके ऊपर नई नई समस्याएं लादे जाएगी? और चुनाव जब आएगा तो बड़े बड़े वादे शुरू, तो आपको 2-व्हीलर स्कूटर देना शुरू करेगी, कहना शुरू करेगी कि आपके लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो आप में बहुत विवेक है, आप जनता है सबसे बड़े हैं, आप नेताओं को बनाते हैं, सब समझते हैं। दिल्ली से मैं आई हूं, लेकिन जो आपकी समस्याएं हैं उनको सबसे अच्छी तरह से आप समझते हैं। कोई दिल्ली से आया हुआ नेता नहीं समझ सकता, ये आपका जीवन है जिसे आप भुगत रहे हैं, जिसकी सच्चाई आप जानते हैं। तो नेताओं की भी सच्चाई पहचानी है, सबको देख लिया है आपने, कांग्रेस को भी देखा, भाजपा को भी देखा। कांग्रेस के समय आपकी संस्कृति पर कोई हमला नहीं था, कांग्रेस के समय असम की यह स्थिति नहीं थी कि सब कुछ बिक रहा था, आपकी ये स्थिति नहीं थी कि आप गैस सिलेंडर भी नहीं खरीद सकते थे, कि आपका वेतन 5 सालों में भी नहीं बढ़ा। तो सोच समझ के अपना वोट डालिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये किसी पार्टी के लिए वोट नहीं है, ये आपके लिए है। जो मेहनत आप करते हैं ना, जिस कमाई से आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए है ये वोट। गलती मत करिए, आपके सामने सब कुछ है। जो झूठ बोलता है, जो सच बोलता है, सब आपको दिखता है। जो निर्णय आप लेंगे उस निर्णय की जिम्मेदारी आपकी है, उस निर्णय से आपके बच्चों का या तो भविष्य बनेगा या असम टूटेगा, समाज का ध्रुवीकरण किया जाएगा, का लागू होगा और आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो सोच समझ के अपना वोट डालिए। ये जो व्हाट्सएप में आपको सिखाया जाता है या फेसबुक पे झूठ फैलाए जाते हैं, इन पर मत जाइए, अपने अनुभव पर जाइए। आपने क्या देखा है, आपके लिए 5 सालों में क्या किया, उस अनुभव पे अपना वोट डालिए। जब आप सोचेंगे और मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे तो आपके सामने यही आएगा कि हम उस पार्टी को जिताएंगे जो असम की संस्कृति को सुरक्षित रखेगी, जो हमारे लिए काम करेगी, और वो एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। तो मैं आप सबसे आग्रह करती हूं कि वोट डालने के दिन सोच समझ के अपना वोट डालिए, जागरूक बनिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बातों को इतनी ध्यान से सुना, बहुत गर्मी हो गई थी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। जय हिंद, চাপ দিবৰ কাৰণে মনত কৰিছো।
আমার মাজত উপস্থিত থাকা বিস্মিতা গগৈ বাইদেউ বিতুপন শইকীয়া ডাঙৰণী সকলকে অপমান আগুৱাই এই ভকতে অনুৰোধ কৰিছো মেডাম পুৰা পুৰা আগে যাই হ'ব আমি সকলে শ্লোগান দিম কংগ্ৰেছ জিন্দাবাদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী জিন্দাবাদ मैं खास तौर से अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ कि मुझे इन पर इतना गर्व है कि महिला होते हुए ऐसी लड़ती है इस तरह से आपके लिए काम करती है इनको जरूर जिताइए क्योंकि बहुत निष्ठा और प्रेम से आपके लिए काम करती है साइकिया जी महिला नहीं है लेकिन इनके लिए भी मैं आपसे एक खास अनुरोध करती हूँ कि इनको जिताइए कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर दे গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰকাশ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট দৈনিক টাইমছ।